नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सबसे पहले गरियाबंद चलते हैं, जहां पर यहां पर बाहर पारा में 15 परिवार आज भी गंदा पानी पीकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस मोहल्ले के 50 ग्रामीण साल के 12 महीने मिट्टी खोदकर कुएनुमा गड्ढे का मटमैला पानी पीने के लिए पहुंचते हैं और वो पानी पीते हैं। ये गाँव खुजूरपदर पंचायत के आश्रित ग्राम है, जो कि करीब 10 साल पहले गांव से 2 किलोमीटर दूर बसा था। ग्रामीण बताते हैं कि हैंडपंप खुजूरपदर में है और जो गांव से काफी दूर है। ऐसे में बहालपारा में पीने के पानी का एक ही जरिया है, मिट्टी का कुआ, और इसी कुएं के भरोसे पारा के पूरे 50 ग्रामीण है। ग्रामीणों के मुताबिक मामले की जानकारी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी वर्ग को भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आज तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में मजबूरन ग्रामीण कुएं से पानी पीकर बीते 10 साल से अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 19 साल बाद भी स्वच्छ पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए मटमैले पानी से प्यास बुझाने की ये तस्वीर है। सरकार में सत्तासीन हो चुके जिम्मेदारों के विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि आज भी राज्य का अंतिम क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है। ओला के कम से कम 50 जन है और हम लोग 5 बजे हैं। वहाँ का पानी हम लोग करते हैं। कितना साल से पी रहे हैं आप लोग? कम से कम 12 साल हुआ है। 12 साल हो गया। और आपके मोहल्ले का क्या नाम है? मोहल्ले का नाम बहालपारा। यहाँ रह रहे हैं, ये बहालपारा में करीब 10 से 12 15 साल तक हो रहा है और ये लोग मिट्टी का कुआं खोद के पानी पी रहे हैं। तब तक कोई समाधान भी नहीं हुआ। कितने लोग हैं जो ऐसे पीने के लिए? 40-45-50 तक भी हो सकता है। लगभग 50 लोग हैं। यहाँ कुआं खोद कर पानी पिया जा रहा है, काफी समस्या है पानी का। इस मामले में मैंने लिखित रूप से ऐसे कोई कार्रवाई तो नहीं किया है, हालांकि मौखिक रूप से अधिकारी को उपलब्ध कराया हूँ जानकारी कि यहाँ पानी की समस्या है, हैंडपंप की अति आवश्यक है। तो अब इस मामले में क्या कदम उठाएंगे? इस मामले में अभी लिखित रूप में पीएचई विभाग से संपर्क करेंगे सर। ये जो पानी की जो शिकायत हुई है वो मुझे आप ही के माध्यम से मिली हुई है और मैं पता करवाता हूँ। पता करने के बाद हम दो तीन दिन के अंदर में वहाँ पे हैंडपंप बोर करवा देंगे। जहाँ तक जानकारी की बात है, अभी आप तस्वीर में देख सकते हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग। ये कुआ खोद रखा है जिसमें पानी आता है और वही मटमैला पानी आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, ये पीला पानी ये पीने के लिए मजबूर है। ऐसे में कुछ भी इन्हें कभी भी हो सकता है, कोई भी बीमारी इन्हें लग सकती है या फिर कोई भी डायरिया या फिर पीलिया जैसी कोई भी बीमारी इन्हें हो सकती है, क्योंकि ये गंदा पानी पीने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। और ये अभी से नहीं बल्कि 10 सालों से इसी तरह यही पानी पीकर जीवन यापन कर रहे हैं। हीरा मोती